हेलो तो स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि रेस्पिरेशन के अंतर्गत आएगा। तो रेस्पिरेशन के बारे में सभी लोगों को तो आइडिया होगा कि रेस्पिरेशन में व्हाट यू आर टेकिंग, है ना, जिसमें होता क्या है, ये जो ग्लूकोज होता है, जो भी भोजन करते हैं उसका मेन सिंपलेस्ट जो फॉर्म है दैट इज ग्लूकोज, इसका ऑक्सीडेशन होता है। तो कोई भी जीव, पर्टिकुलरली अपन बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करेगा, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाले जीव हैं कुछ, जैसे ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, उनमें तो ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, बट इन केस ऑफ एरोबिक में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप, और एनर्जी रिलीज होगी करीब करीब 38 ATP के बाद रूप में। ये तो खैर आपको बाद में बताया जाएगा, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। पर मेजर जो अपने को आज फोकस करना है, ग्लाइकोलिसिस पे करना है। तो ग्लाइकोलिसिस का सबसे पहले हमने नोट्स बना दिया है ताकि बच्चों को इधर उधर भटकना ना पड़े। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में ये बताना है कि ये EMP पाथवे कहलाता है। सबसे पहले नाम जान लीजिए, EMP पाथवे का मतलब ये है कि 3 जर्मन साइंटिस्ट जो थे, एम्बेडेन, मेयरहॉफ एंड पारनास, इन लोगों ने इसकी डिस्कवरी की है और एक पूरा पाथवे बनाया है जिसके बेस पे डिसाइड किया गया कि ग्लाइकोलिसिस के अंतर्गत ये जो ग्लूकोज है इसका अल्टीमेटली 2 पाइरूविक एसिड में ऑक्सीडेशन होगा इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी यहाँ पर, ध्यान रहे। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे, मतलब ये दोनों के लिए कॉमन है, एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाले जीवों के लिए। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, मीन्स ये हो कहाँ रहा है, सबसे पहले ध्यान देंगे तो जो सेल है, सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, माइटोकांड्रिया, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस वगैरह, लेकिन हो ये रहा है साइटोप्लाज्म में हो रहा है, जहाँ पर सॉल्युबल फॉर्म में सारे एंजाइम्स पाए जाएंगे, ठीक है ना। जो भी ग्लाइकोलिसिस के अंतर्गत रिस्पॉन्सिबल एंजाइम्स हैं वो यहाँ पर साइटोप्लाज्म मिलेंगे, मीन्स साइट इज साइटोजोल या साइटोप्लाज्म। एंड यू नो ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन यहाँ पर जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार से मेन पॉइंट ये है। अब मेन हो क्या रहा है, ग्लूकोज विल बी कन्वर्ट इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूविक एसिड, मतलब एक ग्लूकोज का जो कन्वर्शन होगा वो 2 मॉलिक्यूल पाइरूविक एसिड में होगा और 4 प्रोटॉन निकलेंगे और 2 ATP नेट गेन होगा। ये हमने सिंपलेस्ट रूप में लिख दिया है। अब इसके बाद स्टेजेस की बात करते हैं, ये हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस ड्यूरिंग देयर प्रोसेस। फर्स्ट है फॉस्फोराइलेशन, मतलब यहाँ पर आपको जो भी मटेरियल का ऑक्सीडेशन करना है उसको सबसे पहले इनरिच करना होगा ATP के द्वारा, तो ग्लूकोज जो कन्वर्ट होगा दैट विल बी कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्सन ऑफ ग्लूकोज टू फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। देन सेकेंड जो फेज होगी या स्टेज होगी दैट विल बी स्प्लिटिंग ऑफ फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूविक, मतलब दो ही फेज हैं, दो ही स्टेजेस हैं। पहले में आपको ATP देना है और दूसरे में जो इनरिच पदार्थ बना है ग्लूकोज का, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, इसको स्प्लिट करना है या क्लीविंग करना है इसकी इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूविक एसिड। देन अब हम पांचवे देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्च से शुरू कीजिए, क्योंकि जो भी भोजन लेते हैं जनरली स्टार्च लेते हैं, तो स्टार्च का जो कन्वर्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एमाइलेज एंजाइम में होता है और ये बनता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज सबसे सिंपलेस्ट फूड मटेरियल है जिसका अल्टीमेटली ऑक्सीडेशन अपन देख रहे हैं। तो सबसे पहली जो प्रोसेस यहाँ पर हो रही है दैट इज फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन में हो क्या रहा है कि सबसे पहले ग्लूकोज को हमने ATP दिया और ग्लूकोज विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, मतलब 6वें नंबर कार्बन में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा जाके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो रटने की जरूरत नहीं, समझ लीजिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मतलब 6वें नंबर कार्बन में गया है और इन प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम और मैग्नीशियम विल बी ऑल्सो प्रेजेंट। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हमको फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना है इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज की उपस्थिति में। तो यहाँ पर आइसोमेरेज एंजाइम रहेगा, आइसोमर्स हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं, दे आर आइसोमर्स ऑफ वन अनदर, और ये मालूम होना चाहिए बच्चों को, ये एल्डोज शुगर है जबकि फ्रक्टोज जो है वो कीटोज शुगर है। ये केमिस्ट्री वालों से भी थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे आप लोग, फिर भी मैं बता रहा हूँ
ये एल्डिहाइडिक शुगर को कीटोनिक शुगर में कन्वर्ट किया जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज की उपस्थिति में। देन अगेन एटीपी यहाँ पर ऐड होगा और फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनेगा। मतलब अब छठवां नंबर कार्बन में ना जुड़ के फॉस्फेट कहाँ जुड़ेगा, एक नंबर कार्बन में जुड़ेगा। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन एंड ऑल्सो एंजाइम विल बी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। मतलब एंजाइम काइनेज रहेगा क्योंकि फ्रक्टोज से शुरू हुआ है इसलिए फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो यहाँ पर ये जो प्रक्रिया फर्स्ट फेज हो रही है दैट इज कॉल्ड फॉस्फोरिलेशन, इसमें ग्लूकोज को एटीपी के द्वारा इनरिच किया गया है। अब नेक्स्ट है स्प्लिटिंग। तो स्प्लिटिंग में जो एंजाइम रहेगा दैट विल बी एल्डोलेज एंजाइम। एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का एक ही मॉलिक्यूल था, ध्यान रहे, ये दो मॉलिक्यूल टूटेगा 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में, और जिसमें से इमीडिएट वन जो 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है ये फॉस्फो ट्रायोज आइसोमेरेज की उपस्थिति में डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट। फिर से देख लीजिए, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट लिख देता हूँ यहाँ पर, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। मतलब 3-PGA का दो मॉलिक्यूल इमीडिएट वन मॉलिक्यूल डाइहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट बदलेगा, और इसमें जैसे इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा वैसे तुरंत ये फिर इस प्रकार से 3-PGA में बन जाएगा। एंजाइम क्या है यहाँ पर, फॉस्फो ट्रायोज आइसोमेरेज। तो एक एक एंजाइम को देखते हुए बड़े ध्यान से चलेंगे। अब उसके बाद 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड को हमको एक फॉस्फोरिक एसिड से अपने को ऐड करना है इसमें, जिससे कि 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनेगा। ये क्या बनेगा, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, मतलब एक नंबर कार्बन पर फास्फोरस ग्रुप जुड़ जाएगा। दैट इज आल्सो कॉल्ड फास्फोराइलेशन इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होने वाली है उसको ध्यान देंगे। यहाँ पर अब 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ध्यान रहे, ठीक है। इस प्रकार से यहां पर इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है, ध्यान रहे, कि ऑक्सीजन की जो कोई जरूरत नहीं है, जब भी किसी मटेरियल का ऑक्सीडेशन होगा तो उससे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो यहां पर इससे प्रोटॉन एच आयन निकलेगा, तो ये प्रोटॉन जो है एनएडी के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। एनएडी यहां पर एक्सेप्टर का कार्य कर रहा है जो ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहेगा। एनएडी जैसे ही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को लेगा वैसे ही रिड्यूस हो जाएगा NADH+, H+, और एंजाइम विल बी ट्रायोज फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। तो फिर से देख लीजिए कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है इनटू डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, मतलब एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, और केवल इसमें से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं जो एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं एनएडी के द्वारा, और NADH के रूप में रिड्यूस हो जाता है प्लस एच। ये इसके दो मॉलिक्यूल होंगे, और ध्यान रहे NADH प्लस एच में करीब करीब 52,600 कैलोरी एनर्जी होती, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती, जिसके चलते एक NADH से करीब करीब 3 ATP बनती है। अब यहाँ ध्यान देंगे, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जैसे बना वैसे ही अब इसमें फॉस्फोग्लिसरिक ट्रांसफॉस्फोरिलेज। फिर से देखिए, फॉस्फोग्लिसरिक यहां तक तो ठीक है, ये एंजाइम का नाम याद रखेंगे, ट्रांसफॉस्फोरिलेज एंजाइम की उपस्थिति में यहां पर से फास्फोरस ग्रुप बाहर हो जाएगा एक नंबर कार्बन से, और वो ADP के द्वारा ले लिया जाएगा, और साथ में एनर्जी भी निकलेगी। तो ADP प्लस IP और एनर्जी से मिलकर एक ATP बन जाएगा। ATP यहां पर ATP का प्रोडक्शन हुआ है। मतलब ध्यान देंगे, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से का फास्फोरस ग्रुप निकल रहा है और यहाँ पर ADP से जुड़कर ATP बना रहा है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर 3-PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। देन 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में जो फास्फोरस ग्रुप है वो 3 नंबर कार्बन पे है, अब वो 2 नंबर कार्बन पे आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। यदि म्यूटेज एंजाइम में लिखेंगे तो भी चलता है, लेकिन पूरा नाम लिखिए, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ पर 2-PGA या 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। फिर ये मैग्नीशियम की प्रेजेंस में जो एंजाइम रहेगा दैट विच बी एनालेज, और एनालेज एंजाइम की उपस्थिति में इससे पानी
निकल जाएगा एक मॉलिक्यूल और टू दो टू फास्फो इनाल पायरविक एसिड बनेगा, मतलब PEP या फास्फो इनाल पायरविक एसिड का मॉलिक्यूल बनेगा, जो कि दो नंबर में फास्फो ग्रुप है। और इसके बाद यहाँ पर टू फास्फो इनॉल पायरविक एसिड का से फिर फास्फोर, यहाँ डी फास्फोराइजेशन हो, जब भी फास्फोरस निकल रहा है मतलब डी फास्फोराइजेशन हो रहा है, मतलब ए फास्फोरस ग्रुप निकल रहा है इससे और यहाँ पर बन रहा है, फिर ATP जनरेट हो रही है। देखिए तो यहाँ से जो फास्फोरस ग्रुप निकला एनर्जी के द्वारा जुड़ा, वो ATP बना, ATP के फिर दो मॉलिक्यूल बनेंगे। दो मॉलिक्यूल कैसे बनेंगे, क्योंकि इससे तो एक ही बनेंगे ये वाले से, लेकिन फिर दूसरा डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फास्फेट देखा था इधर आप लोगों ने, ये वाला ये इमीडिएट इधर जाएगा तो फिर उससे भी एक ATP। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी दो ATP और वहाँ पर भी दो ATP, इस प्रकार से चार ATP बन गए। अब अल्टीमेटली लास्ट जो बना है दैट इज पायरविक एसिड, इस प्रकार से CH3COCOOH बना, इसके दो मॉलिक्यूल बनेंगे। दो मॉलिक्यूल कैसे, उधर से जब उसका होगा तब ये दो मॉलिक्यूल बनेंगे। इस प्रकार से पायरुवेट काइनेज की उपस्थिति में ये इनॉल जो फास्फो इनॉल पायरविक एसिड है उससे पायरविक एसिड बना। तो इस प्रकार से हमने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अब समराइज कर रहे हैं, ग्लूकोज प्लस ADP प्लस 2 ADP प्लस 2 IP प्लस 2 NAD, ये तो कंपोनेंट रहेंगे। तो पायरविक एसिड बना प्लस 2 ATP प्लस 2 NADH प्लस 2H प्लस 2H2O, दो पानी निकलेगा। नेट गेन क्या हो रही है, फर्स्ट फेज में 2 ATP कंज्यूम हो रहा है और सेकेंड फेज में 4 ATP बन रहा, प्रोड्यूस हो रहा है। तो टोटल जो गेन हो रही है दैट विल बी नेट गेन 2 ATP होता है दोनों केस में। लेकिन एरोबिक के केस में क्या होगा, 8 ATP विल बी प्रोड्यूस बिकॉज 6 ATP जो है NADH जो हो रहा था मैंने बताया था पहले, इसके ऑक्सीडेशन से 6 ATP प्रोड्यूस, मतलब 1 से 3 तो 2 से 6 होगा। और ये होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है कहाँ पर, हायर प्लांट्स में या हायर एनिमल्स में, तो वहाँ पर चूंकि यूकैरियोटिक सेल होगी उनसे माइटोकांड्रिया पाया जाएगा, इसलिए माइटोकांड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जहाँ पर यहाँ ये इसका ऑक्सीडेशन होगा NADH का और उसके बाद 3 ATP रिलीज होगी एक से, जिस प्रकार से 6 ATP, मतलब टोटल इजाफा जो होगा यहाँ पर 8 ATP का होगा। जबकि ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है, इसलिए होता क्या है पायरुविक एसिड का अल्टीमेटली एस्टेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। लेकिन एस्टेल्डिहाइड का जो है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा और NADH जो है बना था वो प्रोटॉन निकाल देगा, प्रोटॉन से वो ये एल्डिहाइड जो है एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और इस प्रकार से डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में, एल्कोहलिक डिहाइड्रोजन की उपस्थिति में एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के द्वारा एल्कोहल बनेगा, जैसे ईस्ट में होता है, हायर प्लांट में भी होता है। जब एनारोबिक कंडीशन होती है तब एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हायर प्लांट में भी देखा गया है। और कभी कभी क्या होता है कि जो पायरुविक एसिड है उसका इस प्रकार से देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के द्वारा लैक्टिक एसिड बनता है, ये लैक्टिक एसिड बन गया है डायरेक्ट, इसको देखिए जो NADH बना था उससे प्रोटॉन लिया और NAD ऑक्सीडाइज हो गया और इसका जो प्रोटॉन है वो उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर कुछ नहीं, केवल जो पायरुविक एसिड था उसमें HH यहाँ जोड़ दिए, देखिए 2 H जुड़ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से लैक्टिक एसिड बन, रटने की जरूरत नहीं है, मतलब CH3 CH फिर H लिखिए फिर O के बाद फिर H लिखिए बस फिर COOH, इसने कि फार्मूला याद किए जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बैक्टीरिया में पाया जाएगा। नेट गेन ध्यान रहे 2 ATP रहेगी बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बिकॉज हम लोग को मालूम होना चाहिए प्रोकैरियोटिक्स में माइटोकांड्रिया इज नॉट फाउंड, ओनली साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है सब। पॉइंट कुछ है इंटरेस्ट के, पॉइंट यह है कि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है डिफर्स फ्रॉम ऑल अदर टाइप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन बीइंग एक्स्ट्रा सेलुलर इन प्रेजेंस ऑफ जाइमेज आर बाई पार्टिसिपेशन ऑफ माइक्रोब्स, मतलब एल्कोहलिक जो फर्मेंटेशन होता है ये एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, सेल के बाहर हो रहा है और या तो ये एंजाइम के प्रेजेंस में होगा, जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में, या फिर आपने वो जो बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर करवा रहे सेल के बाहर तो वहाँ माइक्रोब्स को मिलाया हुआ है पार्टिसिपेशन के द्वारा हुआ है। अब लास्ट में बात कर लेते हैं मेन स्टेप की, कौन कौन से स्टेप हमने देखे। सबसे पहला फास्फोराइलेशन देखा, ग्लूकोज को हमने ATP दिया, फिर आइसोमेराइजेशन देखा, ग्लूकोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 6 फास्फेट बदला, फिर फास्फोरेशन किया फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट बना, फिर क्लीविंग किया एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में, फिर आपने H3PO4 दिया था, फास्फोरेशन हुआ,
फिर डिहाइड्रोजनेशन किया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ, जिससे जिसमें हमने मेन प्रोसेस बताई थी ऑक्सीडेशन ऑफ 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसराइड टू 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक, मतलब ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप एल्डिहाइड एसिड में बदला। उसके बाद जो अगला प्रोसेस था फास्फोराइलेशन, मतलब डीफास्फोराइलेशन, मतलब यहाँ पर फास्फोरस ग्रुप रिमूव किया है अपने, जिसके चलते एटीपी बना था। यहाँ पर फिर आइसोमेराइजेशन हुआ, जिसके चलते आपने देखा 3 PGA से 2 PGA में बन गया था। फिर डिहाइड्रेशन हुआ, डिहाइड्रेशन मतलब दो मॉलिक्यूल पानी निकाला था, और अल्टीमेटली हमने फिर से फास्फोरस ग्रुप निकाला, दैट इज कॉल्ड डी फास्फोराइलेशन, फिर यहाँ पर एटीपी बना था। तो इस प्रकार से मेन स्टेप हमने देखा। तो कुल मिला के आप लोग बहुत सरलता से ग्लाइकोलिसिस को समझ सकते हैं। यदि फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग हमें पूछेंगे और हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल।